फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए नवरात्रि स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। ये हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। ये ड्रेस बनाने में बहुत ही इजी है। ये देखिए, काफ़ी इजी है ये ड्रेस। और इसकी चोली मैंने बिल्कुल, ये देखिए, ऐसे अटैच की है। और ये हमें पहनाने में भी बहुत इजी रहती है कान्हा जी को, और ये इसके साथ अटैच करने में भी काफ़ी इजी रहती है। ये देखिए, अटैच करने के बाद इसका गेटअप बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे हम नॉर्मल चोली बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये पहनाने में भी काफ़ी इजी रहती है। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और घंटी के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम ड्रेस बनाने के लिए हमने इस फैब्रिक का यूज़ किया है। ये देखिए, ये मैंने इसके लिए घेरा तैयार कर लिया है। जैसे मैंने बुकरम के ऊपर ऐसे, पहले मैंने कॉटन का कपड़ा प्लेन रेड कलर का, उसे इसके ऊपर लगा दिया, और फिर मैंने इसके ऊपर ये वाला क्लॉथ लगा दिया। और मैंने इसे एक एक एक्स्ट्रा इंच एक्स्ट्रा काटा था, और उसे मैंने ऐसे फोल्ड दे दिया है मशीन की हेल्प से। तो चलिए अब हम इसे यहाँ बीच में से काट लेते हैं। हमने इस ड्रेस को ऐसे करना है। यहाँ हमने निशान लगा लेना है सेंटर का। यहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है यहाँ पे और यहाँ पे। अब हमें इसे ऐसे मिला देना है। देखिए, हमें इसे ऐसे मिला देना है, और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है यहाँ से भी और यहाँ से भी। पहले हमें इन दोनों साइड को लेस की हेल्प से लॉक कर लेना है, देखिए, यहाँ से और यहाँ से। तो चलिए अब हम इसे लॉक कर लेते हैं। देखिए, हमने इसकी दोनों साइड लॉक कर ली है। अब हमने ऐसी लेस लेनी है, लेस को हमने ड्रेस के पूरे घेरे पे लगा देना है। तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने पूरे घेरे में लेस लगा ली है। अब हम इसे कपड़े की हेल्प से यहाँ से कवर करना है। इसे कवर करने के लिए हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी को हमें हल्का सा फोल्ड देते हुए यहाँ रखकर हमें इसे ऐसे गोल शेप में लगा लेना है यहाँ तक। तो चलिए अब हम इसे यहाँ लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे यहाँ लगा लिया है। हमने डोरी ली है, हमें इसे ऐसे, ये देखिए, हमने डोरी को यहाँ ऐसे अंदर करना है, और इसे हमें ऐसे फोल्ड दे देना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे अंदर की साइड से हमें ऐसे इसे फोल्ड दे देना है। तो चलिए अब हम इसे फोल्ड दे देते हैं। देखिए, हमें इसे फोल्ड दे दिया है। अब हम इसे पैच की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमने कुछ पैचेस लिए हैं। देखिए, हमें पैचेस ऐसे लगाने हैं। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पैचेस को पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, पैचेस लग के हमारी ड्रेस एकदम रेडी है। अब हमें चोली अटैच करनी है इसके साथ। ये देखिए, चोली के लिए मैंने ये रेडी किया है। चोली के लिए मैंने इसकी लंबाई 11 इंच ली है, और चौड़ाई ये 1.5 इंच रेडी हो गई है। अब हमें इसके बीच में से 2 पीस कर लेने हैं। ये देखिए, हमने 2 पीस इसके कर लिए हैं। अब हमें इसे इसके साथ अटैच करना है। करना कैसे है वो देखिए। देखिए, हमें इसे इन दोनों को यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रखे यहाँ तक सिलाई दे देनी है। सिलाई देने के बाद हमें इसे यहाँ अंदर की साइड पे यहाँ ऐसे रख के इसमें ऐसे सिलाई दे देनी है। देखिए,
बिल्कुल यहाँ अंदर की साइड इसे करके और हमें सिलाई यहाँ देनी है। तो चलिए अब हम इसमें सिलाई दे देते हैं। चलिए हम ड्रेस को थोड़ा और डेकोरेट कर लेते हैं। ये हमने कुछ पैचेस लिए हैं, देखिए हमें इसमें ऐसे चोली के बिल्कुल पास पास आते जाना है। एक सिल्वर लिया है हमने, एक गोल्डन लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारी ड्रेस बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, देखिए हमारी नवरात्रि स्पेशल ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।